मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद। सो आपको जो माइलेज दिखाऊंगा मैं, वो सिटी प्लस हाईवे रहेगा, उसमें हाईवे ज़्यादा रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे ही, मैं आपको स्टार्ट करूंगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रिप ज़ीरो कर दिया है, जस्ट अभी ही पेट्रोल फुल किया हुआ है और ट्रिप भी ज़ीरो कर दिया है मैंने। अभी देखते हैं कितना माइलेज देती है। गाइस अभी 106.5 किलोमीटर चल चुके हैं बाइक। एक्चुअली मैंने थोड़ा अलग किया है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कम होने के बाद पूरा पेट्रोल भराऊंगा यहाँ पे। जैसे कि पहले मुझे कुछ एवरेज दे रही थी 56-57 की, ओवरऑल अगर पकड़ते थे सिटी प्लस हाईवे का तो मुझे कुछ एवरेज दे रही थी 52-53 के आ रहा हूँ दोनों मिला के। अभी पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल फिल करते हैं और देखते हैं कितना पेट्रोल आता है इसके अंदर, उस हिसाब से हम एवरेज निकाल लेंगे कि एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद कितने की एवरेज मिल रही है मुझे फुल। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पूरा फुल पेट्रोल भर दिया है, 2.22। सो गाइस 2.22 लीटर पेट्रोल आया था और आप देख सकते हैं 107.4 चली हुई है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं, 7.4 डिवाइड बाय 2.22, 48 का माइलेज दे रही है मुझे, आप देख सकते हो। सो इतना भी ड्रॉप नहीं हुआ है क्योंकि ओनली हाईवे पे 48 देती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद भी एवरेज अच्छा खासा ही है, ज़्यादा कुछ ड्रॉप नहीं मिला मुझे, बिकॉज मैंने जो 107.4 किलोमीटर के अंदर भी 90 किलोमीटर जैसा तो मैंने हाईवे पे ही चलाया हुआ है। जब भी मैं सूरत या मुंबई जाता हूँ तो मुझे एवरेज कुछ 48 से 50 के अराउंड ही देता है, फुल हाईवे पे चलाता हूँ तभी। और अभी अगर उस हिसाब से देखने जाए तो मुझे एवरेज में कुछ ज़्यादा ड्रॉप नहीं लगा अगर हाईवे के हिसाब से देखने जाऊँ तो, क्योंकि सिर्फ एक या दो का ही एवरेज ड्रॉप हुआ है। मेरे मामले में तो एवरेज में कुछ ड्रॉप नहीं हुआ है। यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब जरूर करवाओ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।